नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। हमारे देश की नदियों के किनारे आदिकाल से ही जीवन, या यूं कहें कि जीवन का विस्तार होता आया है। अगर हमारी नदियां धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, तो सामाजिक भी हैं। ऐसे जीवनदायिनी नदियों का अतुल्य इतिहास है। ये नदियां ही हैं जो भारत की धारा को अभिसिंचित करती रहती हैं। देश में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनका धार्मिक और पौराणिक महत्व है। आज ऐसी ही एक नदी की कहानी संक्षिप्त में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके तीरे चलते हुए महर्षि विश्वामित्र के साथ कभी प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण असुरों से, ऋषि मुनियों और यज्ञ की रक्षा के लिए बक्सर गए। जिस तरह से गंगा नदी को माँ गंगा कहा जाता है, ठीक वैसे ही आजमगढ़ में बहने वाली तमसा नदी को भी माँ तमसा कहकर बुलाया जाता है। इसी तमसा नदी के किनारे प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन 5 साल से माँ तमसा की आरती की जाती है। एडवोकेट अनिल कुमार सिंह व उनके सहयोगियों ने माँ तमसा की आरती के 5 साल पूरे होने पर 12 अगस्त को एक भव्य भंडारे और प्रसाद वितरण के साथ ही माँ तमसा की महाआरती का कार्यक्रम भी रखा, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अगर आप उस आरती में शामिल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम उस महाआरती के दर्शन आपको कराते हैं। मातमसा आरती समिति के संयोजक एडवोकेट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह आरती सितंबर 2017 से शुरू हुई और अनवरत 5 साल चलने के बाद भव्य भंडारे और प्रसाद का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि जब आरती के 1 साल पूरे हुए थे तब भी भंडारा किया गया था। इन आयोजनों के पीछे मकसद बस इतना ही होता है कि ये नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, इनके बिना जीवन ही संभव नहीं है। एडवोकेट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लोग माँ तमसा को स्वच्छ रखें और उन्हें निर्मल रखने में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि हमने इसमें गैर राजनीतिक लोग, जिनका सामाजिक क्षेत्रों में योगदान रहता है, उनको सम्मानित किया और शाम होते ही भव्य महाआरती की गई और भंडारे और प्रसाद का वितरण किया गया। मैं अनिल कुमार सिंह, एडवोकेट, संयोजक माँ तमसा आरती समिति सिधारी आजमगढ़। ये आरती सितंबर 2017 से प्रारंभ हुई और तब से ये अनवरत चलती है। आरती कभी ब्रेक नहीं की गई। 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भंडारा किया गया, तब भी जनता में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि तमसा जी को स्वच्छ रखें और निर्मल रखें। इसके बाद अब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद तमसा जी की आरती का आयोजन किया गया, भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले 12 बजे तमाम आजमगढ़ के लोगों द्वारा हवन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। शाम को समाज के गैर राजनीतिक विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग और सामाजिक सरोकार रखने वाले, जो देश और प्रदेश स्तर पर आजमगढ़ के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया और मंत परमात्मा दास जी द्वारा सबको आशीर्वचन मिला। इसके बाद आरती का काम संपन्न किया गया। मैं जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि जनता माँ तमसा को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, और प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ कि प्रशासन शहर के सभी नालों को, जो नाले आके तमसा जी में गिरते हैं, जिससे तमसा जी गंदी होती हैं, उनकी भी व्यवस्था करें, जो तमसा जी में वो नाले के पानी न गिरे। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा के दिन आरती संपन्न की जाती है। जनता से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हर माह की पूर्णिमा के दिन सिधारी के तमसा घाट पर आकर के आरती को संपन्न कराने का सहयोग करें और माँ तमसा को स्वच्छ रखने का एक प्रदेश स्तर पर संदेश सरकार को दें कि मातमसा को स्वच्छ रखना ये सभी का दायित्व। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।